So, hello everyone, my name is Mayank Agarwal. Today we are going to discuss about the difference between the BARC interview and the MPCIL interview. So what are the key factors that one need to focus before going to the BARC interview as well as the MPCIL interview? So क्या ऐसे points हैं जो कि एक person को consider करने चाहिए कि BARC interview और MPCIL interview में क्या difference है, किस चीज पे उसको focus करना है? So हम उसी चीज का इस video में discuss करेंगे. तो आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए. सो फ्रेंड्स, माय नेम इज मयंक अग्रवाल एंड आई एम वर्किंग एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड. आई हैव आल्सो सिक्योर्ड AIR 40 इन गेट 2022 एग्जाम. सो नाउ कमिंग टू द BARC इंटरव्यू एंड द MPCIL इंटरव्यू डिफरेंस. तो जब मेरा 2022 में मैंने अपने टाइम पर भी BARC इंटरव्यू और MPCIL इंटरव्यू दिए हैं, सो मेरे को एक आइडिया है कि कैसे आपको डिफर करता है BARC इंटरव्यू MPCIL से. किस चीज के ऊपर फोकस किया जाता है, किस चीज के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है, क्या वो चेक करते हैं, थिंकिंग एबिलिटी आपकी चेक करेंगे या फिर क्रिटिकल थिंकिंग आपकी चेक करेंगे या फिर डेप्थ नॉलेज आपकी चेक किया जाएगा. तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे. तो ये मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है कि आई हैव 1.5 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई हैव आल्सो गाइडेड मेनी स्टूडेंट्स दोज हु आर इन द एमटेक एमएस एंड डूइंग देयर रिसर्च as well as some of our in the PSUs. So now coming to the overview of BARC and MPCIL. So what do you mean by the BARC and what do you mean by the MPCIL? Can you tell me? BARC basically stands for the Bhabha Atomic Research Center. Research Center and MPCIL stands for the Nuclear Power Corporation India Limited. So nuclear power जो है उससे related जो भी research and development किया जाए वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट BARC BARC में किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी रिसर्च किया जाता है वो रिसर्च हमारा BARC में किया जाएगा और उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल कि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, उस प्रोडक्ट की एफिशियंसी कैसे इंक्रीज की जा सकती है. और यहाँ पर प्रोडक्ट का सिंपल सा मीनिंग है न्यूक्लियर पावर. न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाएगा वो है हमारे BARC में किया जाता है. और जबकि न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड लाइक एक कैसे न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क करना है, कहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट्स लगाने हैं, ये सारी चीजें होती है वो डिस्कस किया जाता है MPCIL में. तो MPCIL मोटा मोटा एक प्लांट ऑपरेशनल एक्टिविटीज को देखता है, जबकि BARC जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देखता है न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड. तो द डिफरेंस इज क्लियर. तो द नेक्स्ट पॉइंट इज आते हैं कि हम और क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि हमें इंटरव्यू के यहाँ पर बात करनी है. ये तो हमने बेसिक डिफरेंस पता कर लिया कि BARC और MPCIL में क्या डिफरेंस है. हम बात करेंगे इंटरव्यू प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है, क्या वो अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, क्या सैलरी में भी डिफरेंस होता है, कौन सी पोस्ट वो ऑफर की जाती है इफ यू आर गेटिंग सेलेक्टेड इन BARC और इन द MPCIL, और क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है. तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर. तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन BARC और MPCIL. देखिए BARC जो है वो हमारी ऑटोनॉमस बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी, जबकि MPCIL जो है वो कि एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है. तो BARC में जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो ओनली गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाते हैं, जबकि MPCIL जो है नो डाउट उसमें मेजर डिसीजन जो होते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू ही लिए जाएंगे, बट उसके अदर स्टेक होल्डर्स भी होते हैं जिनके थ्रू कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, क्योंकि PSU वो होता है जिसमें गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा स्टेक होता है. रेस्ट स्टेक इज डिपेंड अपॉन द कंपनी के वो कैसे अपने स्टेक्स को डाइल्यूट करना चाहती है. तो इसीलिए यहाँ पर ये हो गया डिफरेंस बिटवीन द BARC एंड द MPCIL. नाउ कमिंग टू द ओवरव्यू. तो जैसा कि मैंने बताया कि न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड जो रिसर्च है वो BARC में किया जाता है, और जबकि न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है, जो प्लांट ऑपरेशन है, वो MPCIL में किए जाते हैं. नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट इज द इंटरव्यू प्लेस. सपोज कि BARC और MPCIL जो है वो इंटरव्यू लेते हैं, तो इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होती है. BARC और MPCIL जो है वो अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराते हैं. जैसे कि BARC में दो तरीके से रिक्रूटमेंट होता है, टू मेथड्स हैं रिक्रूटमेंट के, या तो आप गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट हो सकता है या फिर BARC का एक सेपरेट एग्जाम भी होता है, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करके आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है. जबकि MPCIL में ऐसा नहीं है, MPCIL में सिंगल मेथड से रिक्रूटमेंट होता है, वो है आपकी गेट की रैंक.
और गेट की रैंक, लेकिन उसमें प्रीवियस थ्री गेट्स फॉर वैलिड होता है। फॉर एग्जांपल अगर 2024 से एनपीसीआई रिक्रूटमेंट निकाल रहा है तो 2024, 2023, 2022 का गेट्स फॉर वैलिड है, एंड यू कैन अप्लाई इन टू द एनपीसीआईएल। आफ्टर दैट इफ यू आर गेटिंग शॉर्टलिस्टेड देन दे विल बी मेलिंग यू, और यू कैन चेक योर शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया इन टू देयर साइट। तो क्लियर कि कैसे शॉर्टलिस्टिंग होती है, कैसे वहां पे सिलेक्शन प्रोसीजर है। इसके अलावा आता है कि इंटरव्यू लोकेशन क्या होती है। पार्क में इंटरव्यू लोकेशन होती है मुंबई, मुंबई में आपको अनुशक्ति नगर में वहां पर उनका इंटरव्यू प्लेस है, वहां पे आपको जाना होगा और इंटरव्यू वहां पर देना पड़ता है। जबकि एनपीसीआईएल में मल्टीपल लोकेशन है जिन जहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कायगा में है एक, कलपक्कम में है एक, एनपीसीआईएल मुंबई में है एंड एनपीसीआईएल नरोरा में है। तो इन चार जगहों पर इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं एनपीसीआईएल में, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर इंटरव्यू के लिए हम जा रहे हैं तो क्या हमें अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अकोमोडेशन बार्क में प्रोवाइड किया जाता है, वहां पर आपको चार्जिंग बेसिस पर अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा उनके गेस्ट हाउस में, जबकि एनपीसीआईएल में सारी लोकेशंस पर प्रोवाइड किया जाता है एक्सेप्ट मुंबई। मीन्स मुंबई के अलावा जितनी भी लोकेशन है, कायगा, कलपक्कम एंड नरोरा, इन सब में आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा, और एनपीसीआई मुंबई में आपको कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, वहां पर आपको खुद ही अवेलेबिलिटी करनी पड़ेगी। तो अब आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो दोनों का सेम होता है, लाइक आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, ये सारी चीजें आपको मेल के थ्रू कन्वे कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइम फॉर द इंटरव्यू, के मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ कि मेरा कितना कितना टाइम तक इंटरव्यू चलेगा, लाइक 1 घंटा चलेगा, 2 घंटा चलेगा, कितना टाइम तक चलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि बार्क एक रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि एनपीसीआईएल एक ऑपरेशनल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो बार्क का जो भी इंटरव्यू होता है उसमें आपको टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे, 10-15% ओनली टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि उसमें मैक्सिमम जो है वो आपको रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने बताया कि योर फेवरेट सब्जेक्ट इज हीट ट्रांसफर, और आपने बोला कि उन्होंने पूछा कि व्हाट इज हीट ट्रांसफर, व्हाट डू यू मीन बाय द हीट, व्हाट डू यू मीन बाय द एनर्जी, हाउ डू यू कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर। सो इस टाइप के क्वेश्चन डीप में वो लेके जाते हैं, जिससे कि आपकी रिसर्च एबिलिटी वहां पर पता चल सके, आपकी सोचने की क्षमता वहां पर पता चल सके। तो इसलिए रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे बार्क में, जबकि एनपीसीआईएल में और पीएसयू से रिलेटेड, जैसे और पीएसयू में होता है कि जस्ट 5 to 10 मिनट्स में आपको मेजर कर लिया जाता है कि इफ यू आर गेटिंग सेलेक्टेड और नॉट, तो यहाँ पर वैसा नहीं होता है। लेकिन एनपीसीआईएल में आपको अराउंड 40-50% टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि 40-50% नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नॉन टेक्निकल में हो सकते हैं एनीथिंग रिलेटेड टू द मतलब जो भी कुछ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपसे फिजिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डीसी एसी क्या होता है, और अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं तो डीसी एसी क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, एनीथिंग रिलेटेड टू द एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एनपीसीआईएल में। तो एनपीसीआईएल का जो इंटरव्यू है वो हार्डली आपका 40-45 मिनट चलता है, जबकि बार्क का इंटरव्यू जो है काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं, उसमें इंटरव्यू टाइम जो है वो 1 to 1.5 आवर तक आपका चलता है। जितना लंबा इंटरव्यू चलेगा उतना ही चांसेस होते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे बाहर। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि पैनल मेंबर्स। तो पैनल मेंबर्स कौन कौन होते हैं, क्या दोनों में पैनल मेंबर सेम होते हैं, क्योंकि बार पर एनपीसीआईएल का मुंबई में हो रहा है, अनुशक्ति नगर में, हो सकता है दोनों में पैनल मेंबर सेम हो। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो पैनल मेंबर्स होते हैं दोनों में ही, इंक्लूडिंग मेल मेंबर्स एंड फीमेल मेंबर्स दोनों में ही होते हैं, और हो सकता है कि बार्क में जो पैनल मेंबर्स हैं कुछ पैनल मेंबर्स एनपीसीआईएल में वही हो, क्योंकि दोनों का ही अनुशक्ति नगर में होता है, सेम इंस्टीट्यूट में होता है। तो इसीलिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि पैनल मेंबर्स हो सकता है कि वहां पर सेम है, बट मोस्ट चांसेस होते हैं, मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि पैनल मेंबर्स डिफरेंट हो, 1-2 पर्सन पार्क से यहाँ पर एनपीसीआईएल पर इंटरव्यू लेने आ सकते हैं। तो आता है लैंग्वेज बैरियर। तो लैंग्वेज बैरियर क्या सर, वहां पर इंग्लिश में ही पूछा जाता है, क्या हिंदी में ही पूछा जाता है, क्या किस लैंग्वेज में पूछा जाता है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो उस लैंग्वेज में पूछेंगे, ऐसा वहां पर कोई भी रोक टोक नहीं है, या फिर कोई भी आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगी लैंग्वेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप
इंग्लिश में पूछना चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों दोनों में इंटरव्यू देने के लिए कंफर्टेबल है, तो यू कैन आस्क देम कि सर आई एम कंफर्टेबल इन बोथ लैंग्वेज, यू कैन आस्क हिम इन दैट। तो वो दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप उनसे बोल दीजिए कि सर आई एम कंफर्टेबल विद हिंदी, सो कैन यू प्लीज स्विच ऑन टू द हिंदी सो दैट आई कैन बी मोर कंफर्टेबल इन दैट लैंग्वेज, गॉट इट। सो ऐसा कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है वहां पर। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटरव्यूअर अप्रोच। इंटरव्यूअर में आपका क्या चेक किया जाता है? क्रिटिकल थिंकिंग चेक की जाएगी, किसमें आपकी किसमें आपकी थिंकिंग चेक की जाएगी, किसमें आपकी कम्युनिकेशन चेक की जाएगी, किसमें आपकी अप्रोच चेक की जाएगी, क्या चेक किया जाएगा इंटरव्यूअर में? तो देखिए, बार्क में जो है वो केवल आपकी टेक्निकल नॉलेज चेक की जाती है, और आपकी कितनी इन डेप्थ नॉलेज है कॉन्सेप्ट्स को लेकर, आप कितने क्लियर हैं कॉन्सेप्ट्स को लेकर, कितना आपका कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर, वो चेक किया जाएगा। तो हर एक सब्जेक्ट्स को आप मान के चलिए, जितने भी आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट में आपके पास 15 to 20 minutes टाइम कंज्यूमिंग वो लेने वाले हैं इंटरव्यू, क्योंकि उनके क्रॉस क्वेश्चनिंग होने के लिए आप तैयार रहिए। तो इसलिए अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू की प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू में ये चाहते हैं कि मैं टेक्निकल में बहुत स्ट्रांग हो जाऊं, तो उसके लिए ही हमने कोर्स लॉन्च किया है अपना चयन इंटरव्यू कोर्स। तो अगर आप चाहते हैं कि टेक्निकल में स्ट्रांग होना, तो आप लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर हमारे चयन इंटरव्यू कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस चयन इंटरव्यू कोर्स में हमने बताया है कि कैसे 100 to 150 hours में आपको टेक्निकल पूरा कवर किया जाए एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। इट इज नॉट फॉर द केमिकल, इट इज नॉट फॉर द मैकेनिकल, बट ऑल्सो एवरी इंजीनियरिंग ब्रांचेज वी हैव कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। 100 to 150 hours का कोर्स डिजाइन किया गया है, 1-on-1 मॉक इंटरव्यूज रखे गए हैं आपके लिए, और आपको जो भी गाइडेंस एंड फीडबैक की रिक्वायरमेंट है वो हमारे बार्क और PSU एक्सपर्ट्स के थ्रू दिया जा रहा है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप टेक्निकल में अच्छा करें, टेक्निकल में आपकी नॉलेज इंक्रीज हो, तो आप जाकर हमारे चयन इंटरव्यू कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो कमिंग टू द पॉइंट कि बार्क में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मींस रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि NPCIL जो है, NPCIL में आपसे थोड़े रिसर्च बेस्ड पूछे जाएंगे, थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, हो सकता है कुछ ही पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड में अभी क्या चल रहा है, मीन्स नॉन टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और उसमें जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके घरों में AC होगा, तो AC क्या वर्क करता है, AC के पीछे क्या वर्किंग होती है, AC में कौन सा हीट ट्रांसफर होता है, क्या मास ट्रांसफर भी हो रहा है क्या, और रूम में AC लगा है तो रूम का टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है, रूम में रेफ्रिजरेटर लगा है तो रेफ्रिजरेटर को अगर खोल दिया जाएगा तो क्या रूम में इनफाइनाइट कूलिंग हो जाएगा या फिर इनफाइनाइट हीटिंग होगा, क्या होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चंस होते हैं, मीन्स हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस NPCIL में पूछे जाते हैं, मीन्स टेक्निकल क्वेश्चंस एज वेल एज नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस NPCIL में आपसे पूछे जाएंगे। आप कहते हैं कि आपने सब कुछ हो गया, सब आपके अब सिलेक्शन हो गया, तो कौन सी पोस्ट ऑफर की जाएगी सर? तो दोनों में ही जो होगी वो आपको साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट ऑफर की जाती है। अब आते हैं कि लोकेशंस क्या क्या होंगी। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि बार्क एक रिसर्च ओरिएंटेड है, NPCIL PSU, और NPCIL न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑपरेट कर रही है, तो वहां पर जो भी लोकेशंस होंगी वो आपकी थोड़ी हार्डशिप लोकेशंस होंगी, रिमोट लोकेशंस होंगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि NPCIL को आप सिटी के बीचों बीच वहां पर एस्टेब्लिश कर देंगे, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्टर होता है थोड़ा डेंजरस होता है, तो इसलिए वहां पर ऐसी ऐसे प्लेस पर उसको एस्टेब्लिश किया जाता है, ऐसे प्लेस पर उसको फॉर्मिंग की जाएगी जहां पर पॉपुलेशन लेस होगी। तो इसलिए आउटस्कर्ट्स में जनरली इसको प्रीफर किया जाता है NPCIL प्लांट्स को। तो NPCIL में आपको थोड़ी रिमोट लोकेशंस मिलती है, फॉर एग्जांपल काइगर, कल्पक्कम, ये सारी लोकेशंस NPCIL में मिलती हैं। जबकि बार्क एक रिसर्च ओरिएंटेड है, तो रिसर्च तो आप कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं, जस्ट आपको एक इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट है। तो बार्क में जो है वो आपको एक सिटी लाइफ मिलेगी। तो सिटी लाइफ के लिए बार्क में क्या पोस्टिंग हो सकती है? बार्क में पोस्टिंग होती है बार्क इंदौर, बार्क मुंबई, और कुछ कुछ केसेस में बार्क बार्क इंदौर भी पोस्टिंग होती है। तो इसीलिए सारी चीजें क्लियर होगा कि कैसे इंटरव्यूअर में इंटरव्यूअर की अप्रोच में डिफरेंस है, क्या पोस्ट ऑफर की जाएगी, क्या वहाँ पे अकोमोडेशन होगा, क्या वहां पर पहुंचने का क्या तरीका होता है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये सारी चीजें वन एंड ऑल इस वीडियो में आपको क्लियर हो चुकी है।
और अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्निकल इंटरव्यू में आप अच्छा करना चाहते हैं, ये सब चाहते हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, आपको बार बार पीएसयू के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके थ्रू पढ़ाया जाए, तो आप हमारे चयन इंटरव्यू कोर्स से एनरोल कर सकते हैं। तो ये हमारे चयन इंटरव्यू कोर्स की कुछ गाइडलाइंस हैं, लाइक कुछ फीचर्स हैं, ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको यहाँ पर 3999 में 100 टू 150 आवर्स का कंटेंट, और इसमें 1-on-1 मॉक इंटरव्यू शेड्यूल किए जाएंगे आपके, आपको गाइडेंस फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू, और यहाँ पर जो भी एक्सपर्ट्स है वो बार और पीएसयू एक्सपर्ट्स हैं, सो आप ऐसा मत सोचिए कि आपको कोई भी आकर यहाँ पर पढ़ा दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इंटरव्यू मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, और कैसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है वो भी आपको इसी में प्रोवाइड किया जाएगा इसी कोर्स में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको रियली में आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, यहाँ पर कोई भी लाइक रियली में आप प्रिपेयर करना चाहते हैं कि आपका टेक्निकल इंटरव्यू में आप बहुत अच्छी पकड़ हासिल कर ले, जिससे कि आपको आगे आने वाले इंटरव्यू में कोई भी प्रॉब्लम डिफिकल्टीज फेस ना करना पड़े, तो आप हमारे चयन इंटरव्यू कोर्स से एनरोल कर सकते हैं। लाइक चयन इंटरव्यू कोर्स हमारा मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और सीएस के लिए है। अब आते हैं कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कि टेक्निकल अच्छा होता है, लेकिन उनका 1-on-1 मॉक इंटरव्यू देते समय उनको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लाइक उनकी आई कॉन्टेक्ट नहीं होता है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, तो इसके लिए हमारे पास ये परमाणु बैच है। ओके, तो परमाणु बैच ये हमारा 1499 का, इसमें हम आपको 1-on-1 मॉक इंटरव्यूज प्रोवाइड करेंगे कि आपको कैसे इम्प्रूव करना है अपने आपको, लाइक आपके 5 मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कर दिए और कैसे आपको इम्प्रूव करना है उन 5 मॉक इंटरव्यूज में आपको बताया जाएगा, और बिलीव जब आपने 5 मॉक इंटरव्यूज दे लेंगे तो पर इंटरव्यू आपको केवल अपने आप को इंप्रूव करना है, ये नहीं जज करना है कि यू आर नॉट गोना गुड इन द इंटरव्यू, जस्ट आपको इंप्रूव करना है। इसमें भी सेम मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, ये इंटरव्यू प्रिपरेशन मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा इसमें, और इसमें 1-on-1 मॉक इंटरव्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसमें जो भी गाइडेंस फीडबैक है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, बट इसमें यह है कि आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड नहीं होंगे जो भी टेक्निकल इंटरव्यू के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी बाहर पर एनपीसीएल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो इसमें टेक्निकल वीडियो आपको नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, जस्ट एक फॉर्मल आइडिया है कि आपको 1-on-1 इंटरव्यू प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जो भी लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनको मेरा बेस्ट ऑफ लक है, और आप जस्ट कॉन्फिडेंटली जाइए इंटरव्यू में, और ये मत सोचिए कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, ये तो बात की बात है, जस्ट आप एक कॉन्फिडेंस में जाइए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आप अपनी तरफ से 100% देने का ट्राई कीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर आपके पास ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो। सो थैंक यू एवरीवन।